हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं चना का सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने रात भर इस चने को फूलने के लिए रख दिया था। इसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ। अब इधर मैंने टमाटर का प्यूरे बना लिया, एक टमाटर को कट कर लिया आप और उसका ग्राइंड कर ले उसको। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज, ये पेस्ट है प्याज, एक प्याज को मैंने कट कर लिया। प्याज, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा का ये पेस्ट है। इधर मैंने गैस ऑन करके, यहाँ देखिए तेल मैंने एक से दो चम्मच के लगभग डाल करके गर्म कर लिया। इसमें मैं इसे ऐड कर लूँगी। देख सकते हैं जब ये अच्छे से पकने लगेंगे तो मैंने छोटी सी एक प्याज कट कर ली है, इसे मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसे आप चला लें, देख सकते हैं। इधर मैंने थोड़े से मसाले पानी में फूलने के लिए डाल दिए हैं। फूले हुए रहते हैं रेडीमेड मसाले तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हैं एक चम्मच के लगभग मैंने सब्जी मसाले लिए हैं। इसमें मैं जो छोले के मसाले जो आते हैं उसे भी मैं आधी चम्मच के लगभग, इसमें छोले मटर के लिए मसाले जो आते हैं उसको मैंने ऐड कर लिए हैं। आप भी ऐड कर लें, इसे स्वाद में और भी टेस्टी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इधर ये रख चुके हैं। मैंने इसमें कटे हुए एक मिनी प्याज को कट कर लिया है, इसे मैं डाल करके इसको पीस होने तक भूनूंगी। आप देख सकते हैं प्याज हल्के से पिंक कलर में, क्योंकि कलर चेंज होने लगे। अब मैं इसमें ये जो मैंने प्याज कम पेस्ट बनाया है उसे मैं सबसे पहले ऐड करके इसको आप भूनूँगी। देख सकते हैं कितने इसमें आप वो मसाले भी डाल दें जो मैंने अभी बताया था कि सब्जी मसाले और छोले मसाले को मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। उसे भी आप इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स करें और इसे मसाले को भूनें। भूनने की एक पाउडर नहीं डालूंगी, इसे जैसे मैं डालूंगी आपको बताते जाऊँगी किसकी मात्रा मैंने। आप देख सकते हैं कि मसाला भून चुके हैं। इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर को भी अच्छे से भून लें। देख सकते हैं चला हुआ भी भूने में मिर्च डाले हैं, मिर्च पाउडर, क्योंकि सब्जी मसाले में तो मिर्च होते हैं। अगर मैं एक चम्मच का भून के लिए खा भी हो जाएगा। देख सकते हैं मसाले भूनने की पहचान होती है कि तेल छूटने लगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। आप हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कर ले इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी आप आधे चम्मच के लिए कर नहीं, आधे चम्मच से थोड़ा कम ही आप डालें, क्योंकि इसमें हल्दी पाउडर से थोड़ी होती नहीं है। गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं आधे चम्मच के लगभग मैंने ऐड किए हैं। इसमें सबको मिला करके अच्छे से इसको भूनते रहें, देखते रहें कि नीचे से ऊपर में पकड़े नहीं। आवश्यकता पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर भी भून सकते हैं। देख सकते हैं इसमें अब आप खुले हुए चने को मिला लें और मिक्स कर सकते हैं। अच्छे से दो मिनट लगेंगे मिक्स करने में। इसे आप देख सकते हैं अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच के लगभग खाने वाली चम्मच से मैंने नमक डाले हैं। आप इसी तरह डाले नमक इसके लिए चाहिए। ये देखिए नमक लग रहा है। अब इसमें आप एक गिलास मैंने पानी लिए जो आप देख सकते हैं, उसको आप इसमें ऐड कर लें। मिला करके देख लें, आधे गिलास के लगभग मैंने पानी डाला है। अगर आपको ग्रेवी अच्छी चाहिए तो थोड़ा और पानी डाल ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं सब पूरे गिलास का डाल सकते हैं। मैंने इतना पानी नहीं डाला क्योंकि अधिक हो जाएगा, मुझे पतली ही ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए गिलास से थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। अब इसका मैं ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटी दिलवाऊँगी।
इसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने चने की सब्जी बना चुकी है, अब सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे पूरी पराठे रोटी चावल के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी सब्जी है, प्लीज आप लोग भी अपने घर पे बनाएं। 3 से 4 सीटी के अंदर में ये बन जाती है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और अपने फैमिली के साथ ही इंजॉय करें। अगर आप हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।